जिनेन्द्र, वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल के खमन और हंडवा। तो उसके लिए सेम कप लिए हैं, 2 कप भर के जाड़ा चावल, आधा कप चना दाल, उससे थोड़ा कम अरहर दाल और उससे भी थोड़ी कम पीली मूंग दाल। अब इन सबको हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसे हम पानी से 3 बार धो लेंगे। 3 या 4 बार आप पानी से इसे धो लें साफ। फिर इसे 6-7 घंटे के लिए भिगो के रखी थी, तो ये देखिए ऐसे ही गल गई है। अब इसमें हम मिक्सी में पीसने के लिए लेंगे, उसमें 2 हरी मिर्च और 1 बड़ा इंच अदरक और 1 कप जितना दही, और फिर इसका अच्छा बैटर बना लेंगे स्मूथ। ये देखिए अब इसे भी हम 4-5 घंटे के लिए ढक्कन देके रख देंगे। ये देखिए खमीर, अच्छा खमीर आ गया है, फ्लफी फ्लफी हो गया है बैटर। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, आधे का हम हंडवा बनाएंगे और आधे का खमन। तो ये आधा पोर्शन लिया है, उसमें हम टेस्ट अनुसार सॉल्ट और हल्दी पाउडर ना थोड़ा सा ऑयल और हल्दी ना थोड़ा सा पानी, क्योंकि घोल बहुत झाड़ा है। फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इनो पैकेट मिलाएंगे। ये इनो पैकेट मैंने आधा इसमें ऐड किया है और आधा हांडवे के लिए रखा है, और इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी, और फिर अच्छे से घोल को मिक्स कर लेंगे ताकि इनो सब में मिल जाए। फिर मैंने पहले से स्टीम करने को कुकर रखा है और थाली में ऑयल ग्रीस करके रख लिया है। अब इस बैटर को हम थाली में पोर कर देंगे। इसे हम 20-25 मिनट के लिए ढक्कन देके रख देंगे। फिर 20-25 मिनट के बाद ठंडा होने देंगे। फिर ठंडा होने के बाद इसे हम कट कर लेंगे इस तरह के पीसेस। देखिए एकदम स्पंजस और फ्लफी बना है और सॉफ्ट भी है। अब इसे हम तड़का देंगे। तड़के के लिए तेल लेंगे, फिर तेल में राई, बारीक राई थोड़ी ज़्यादा ही ऐड करेंगे, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च, हींग। फिर इसमें हम खमन ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह के मिक्स कर लिए हैं। ऊपर से हरा धनिया, रेडी है खमन। अब हम हांडवा बनाएंगे, तो उसके लिए फ्राई पैन लिया है, उसमें हम पहले तेल, फिर तेल गरम होने को आएगा तब तक हम इसमें इनो मिला देते हैं, वो बचा हुआ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम राई, जीरा और तिल, इसमें तिल बहुत अच्छे लगते हैं, तो तिल और कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और फिर ये वाला बैटर हम इसमें पोर कर देंगे। अब इसकी हम एक साइड स्लो गैस पे पकने देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जब ऊपर से भी पकने लगेगा अच्छे से, इसे स्प्रेड कर लिया है। अब इसे हम पलटेंगे
पलटेंगे, दूसरी साइड भी इसकी सेकेंगे। देखिए एकदम करारेदार और क्रंची बना है, खाने में ये एकदम टेस्टी और यम्मी लगता है और पौष्टिक भी है।